इस वीडियो में हम यूजिंग एप्लेट कौन सा भी ग्राफिक्स कैसे ड्रॉ करना है ये देखते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ग्राफिक्स सेट करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, इसके लिए वो स्लीप या वो प्रोग्राम स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक से आप कौन सा भी एप्लेट का ग्राफिक्स का प्रोग्राम इजीली कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम, राइट एन एप्लेट एप्लीकेशन इन जावा फॉर स्माइल फेस। तो अगर हमें फेस ड्रॉ करना है तो इसके लिए हमें एक ओवल एक शेप लेना है, दूसरा एक ओवल शेप लेना है, एक ओवल है, ऐसे मल्टीपल ओवल शेप है, यहाँ पर एक आर्क है, यहाँ पर एक लाइन है, और वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स लेके वहाँ पर हमें सेट करनी है। लेकिन कोऑर्डिनेट्स अगर लेना है मतलब हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम एप्लेट में ही कोऑर्डिनेट्स लेके एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें टाइम लगता है, या फिर आपने अगर वो कोऑर्डिनेट्स रट्टा मारे होंगे तो सभी कोऑर्डिनेट्स सभी सिस्टम्स के सेम होते, ऐसा नहीं होता। तो हमें करना क्या है, सिंपल हम पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड स्टार्ट करता हूँ। एप्लेट एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ फाइल्स इंपोर्ट करनी होती है, इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट में एप्लेट क्लास होता है लेकिन मैं सभी क्लासेस इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज लगेगा उसमें से भी सभी क्लासेस मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। हमें जो भी क्लास लेना है एप्लेट के लिए वो पब्लिक लेना है क्योंकि हम इस फाइल का रेफरेंस हमें एप्लेट व्यूअर में जो एचटीएमएल फाइल हम बनाते हैं उसमें देना होता है, इसके लिए ये क्लास पब्लिक होना ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जो भी क्लास आप यहाँ पे लिखने वाले हो वो क्लास पब्लिक होना चाहिए। अगर आपका ये क्लास प्राइवेट होगा तो वो क्लास या वो एप्लेट आपका रन नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पे एक फेस करके एक क्लास ले रहे हैं जिससे हम एक्सटेंड कर रहे हैं एप्लेट क्लास से। इसमें जैसे कि आपको मालूम है पेंट मेथड हमें यहाँ पे ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए मदद करती है। उस पेंट में ग्राफिक्स नाम का एक क्लास हमने जी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। उस जी ऑब्जेक्ट से मुझे अभी फेस ड्रॉ कर रहा है, तो जी डॉट ड्रॉ ओवल ड्रॉ करना है। अभी इस ओवल को हमें जो भी पैरामीटर्स या कोऑर्डिनेट्स पास करने हैं वो कोऑर्डिनेट्स हमें जो लेने हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ दोस्तों। ये इजीली आपको कौन सा भी होल हो या रेक्टेंगल हो या लाइन हो उसके लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट ओपन पेंट, इस पेंट में मैं यहाँ से सर्कल ये शेप ले रहा हूँ, इस शेप में मैं यहाँ पे ऐसा ये ड्रॉ कर देता हूँ शेप। अभी आपको यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रहे, मैं यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ पे जो भी ऊपर ये वाले कॉर्नर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, ये हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देता है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मैं जब भी यहाँ पे माउस मूव कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पे हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे माउस मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं हमें 309192। तो हमारे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे डालने हैं। आप अगर सिंटैक्स देखोगे ड्रॉ होल का तो आपको पहले एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स डालना है और बाद में विड्थ एंड हाइट डालनी है उस होल की। तो मैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ से ले लेता हूँ, हमारे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है 309 310 और 192 310 192। और उसके बाद हाइट एंड विड्थ लेनी है, तो आप यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हो यहाँ पे 218 and 179 ये हाइट एंड विड्थ है। तो हमें सॉरी विड्थ एंड हाइट होती है, आप अगर ऐसे करके देखोगे या फिर ये ऐसा करोगे तो आपको ये हाइट बढ़ती नज़र आएगी। ये हाइट पहली है तो विड्थ है वो, और दूसरी है दूसरा कोऑर्डिनेट है हाइट का है। तो 229 ये हमारी विड्थ है और 184 ये हाइट है, 229, 184 ये हुई हमारी हाइट।
पहला शेप ड्रॉ होता या नहीं हम पहले चेक करेंगे। मैं पहले ये फाइल सेव कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। मेरा फोल्डर यहाँ पे सी ड्राइव में, आप अलग सा फोल्डर बना सकते हो किसी भी ड्राइव पे। मैं एक यहाँ पे नया फोल्डर बना रहा हूँ, एप्लेट करके एक फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया। उस एप्लेट में, इस फाइल में हमने क्लास का नेम लिया है फेस, तो मैं इस फेस डॉट जावा नाम से ही ये फाइल स्टोर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे फेस डॉट जावा नाम से फाइल स्टोर की। उसके बाद हमें एप्लेट रन करने के लिए एक एचटीएमएल की फाइल बनानी है, इसके लिए मैं अलग सा नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। इसमें एचटीएमएल का कोड लिखो आप, एचटीएमएल में एप्लेट टैग, एप्लेट में कोड या एट्रीब्यूट कंपलसरी होता है, जिसमें हमें जिस भी आप जावा फाइल को एग्जीक्यूट करने वाले हो उसकी क्लास फाइल का रेफरेंस देना होता है, तो फेस डॉट क्लास। उसके बाद वीड देनी है, मैं यहाँ पे वीड दे रहा हूँ 400, या आपको जितनी भी चाहिए वीड आप दे सकते हो, आप 600x600 ले लो वीड और हाइट, 600x600 ये वीड और हाइट ले रहा हूँ। और उसके बाद ये एप्लेट मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और एचटीएमएल क्लोज कर देता हूँ। ये हो हमारी एचटीएमएल की फाइल एप्लेट की, ये भी हम सेव कर देते हैं यहाँ पे फेस डॉट एचटीएमएल नाम से मैं ये फाइल सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइल सेव हुई। अभी हमें एप्लेट एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। मुझे सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे हमें एप्लेट में जाना है, एप्लेट में हम dir करके अगर देखेंगे तो हमें फेस डॉट एस टी एम एल फेस डॉट जावा ये फाइल मिल रहे हैं। तो हमें फेस डॉट जावा फाइल कंपाइल करना है, तो जावा सी फेस डॉट जावा ये कंपाइल होगी। अगर फिर से आप dir कमांड फायर करोगे आप, तो फेस डॉट क्लास फाइल आपको मिलेगी। आपको एक क्लास फाइल मिलनी चाहिए दोस्तों, और वो क्लास फाइल सेम डायरेक्टरी में होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे फेस डॉट एस टी एम एल भी फाइल है, तो हम वो एग्जीक्यूट करेंगे एप्लेट व्यूअर से, एप्लेट व्यूअर और फेस डॉट एच टी एम एल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पेंट में शेप ड्रॉ किया था, ठीक वैसे ही हमें एप्लेट व्यूअर में हमारा फेस मिल रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट जो भी हमारे पेंट के कोऑर्डिनेट्स है, वो परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स आपको एप्लेट में अप्लाई आप कर सकते हो। तो ये हमारा फेस हुआ है। बाद में हमें पूरे कंपोनेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे आइज ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे माउथ ड्रॉ करना है, ईयर्स ड्रॉ करने हैं, जो कुछ भी कंपोनेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं वो यहाँ पहले करो आप, और उसका रेफरेंस लेके आप सीधा वो कोऑर्डिनेट्स कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये दूसरा वॉल मैंने यहाँ पे बनाया, मैं यहाँ पे पहले एप्लेट जो भी रन किया था मैं क्लोज करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे फेस डॉट जाव में आ रहा हूँ, जी डॉट ड्रॉ ओवल, इसमें मुझे ये कोऑर्डिनेट्स डालनी है। इसके कोऑर्डिनेट है 271 246। यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और आप 271 246 और एक्स एंड वाई हाइट एंड वीड हमें लिखनी है 37। पहली वीड होती है और बाद में हाइट होती है 71। जो हमारा उसका एक कान हुआ हमारे ये, और उसके बाद हमें ड्रॉ करना है इस साइड में एक कंपोनेंट, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसका सिर्फ हमें लोकेशन चाहिए 533 247, जी डॉट ड्रॉ ओवल 537 247 247, और उसकी हाइट और वेट जो भी ऊपर वाला हमने ले लिया है वैसे लेना है, या अदरवाइज वो आपका कान ऊपर नीचे या एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा, वो हमने वो डायमेंशन। ये फिर से मैं फाइल सेव कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा ये लॉजिक अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फिर से कंपाइल करो फाइल,
और एप्लेट व्यूअर से आप एग्जीक्यूट करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे हमने ऐड किए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर डिफरेंस आता होगा तो आप वहाँ पे कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो आपको पूरा। तो मैं यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है नोज़ के लिए। तो यहाँ से लाइन ले लो, यहाँ से लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके X1Y1 और X2Y2 ये दो कंपोनेंट्स हैं। ये दो आपको पैरामीटर्स पास करने हैं। जी डॉट ड्रॉ लाइन, यहाँ पे मैं लाइन के लिए ये पहला कंपोनेंट, ये पहला कोऑर्डिनेट 422 और 271 और ये X2Y2 दूसरा वाला 421 एंड 332 ऊपर वाला जो भी है 422 421 एंड 332। तो यहाँ पे नोज के लिए उसकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। फिर से कंपाइल कर दिया मैंने यहाँ पे प्रोग्राम और उसके बाद एप्लेट व्यूअर से हम चेक करके देखेंगे रन हो पा रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये हमें इस आर्क ड्रॉ करनी है। आर्क ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट दिख रहा है कर्व, वो कर्व यहाँ पे लेना है। एक कर्व आप यहाँ पे सेट करो पहले, और ये सेट करने के बाद आप उसके बाद उसको सेंटर के लिए सेंटर पकड़ के यहाँ पे उसे यहाँ से खींच लो। तो यहाँ पे ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये ऊपर वाला ये कोऑर्डिनेट, मैं यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ आपको दिखाई देता होगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपको एक्स एंड वाई लेके के चलना है। तो 377 और 345 आपको यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट साइड को कॉर्नर में नीचे दिखाई देते होंगे 377 और 345। तो हमारे वो एक्स एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। हमें जी डॉट ड्रॉ आर्क फंक्शन यूज करना है। इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स लेने 347 455। इसके बाद हमें विड्थ और हाइट लेनी है उसकी। यहाँ पे विड्थ और हाइट आपको दिखाई देगी 92 23 92 23। आप विड्थ बढ़ा सकते हो, आपको हाइट बढ़ानी हाइट भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि आपको एप्लेट में चाहिए वैसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हाइट में ज़रा ज़्यादा बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं हाइट 50 कर देता हूँ। और उसके बाद हमें स्टार्ट एंगल लिखना है। तो स्टार्ट एंगल यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। स्टार्ट एंगल होता क्या है दोस्तों, तो ये देखो मैंने यहाँ पे सपोज ये हमारी एक एक्सिस की लाइन है, तो हमारा ये अगर 0 पॉइंट है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे अगर 0 एक्सिस है, तो हमें स्माइली फेस कैसे चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये हमारा एंगल यहाँ तक हुआ 90 डिग्री का। और अगर हम यहाँ तक ले आएंगे उसे तो हो जाएगा वो 180 डिग्री का। तो ये हमारा एंगल है। स्टार्ट एंगल 0 से हमें आर्क एंगल लेना है पूरा 180 तक। अगर आपको 90 डिग्री का एंगल चाहिए होता तो हम आर्क सिर्फ ऐसे ही बनाते, यहाँ से हमें ये 90 डिग्री आर्क मिलती है। हमें माइनस 180 डिग्री का एंगल लगेगा, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और माइनस 180 का एंगल मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, तो ये आर्क ड्रा हो जाएगी। तो मैं फिर से मैं चेक करता हूँ, मैं बार बार ये एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि मैंने जो भी कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे ले लिए पेंट पे, वो कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे वर्क हो पा रही है या नहीं, ये आपको
हमारी आर्क थोड़ी नीचे चली गई है, हमें ऊपर लेनी है। उसके लिए मुझे फिर से एंगल चेक करने होंगे। मैंने कोऑर्डिनेट जो भी डाले यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स रॉन्ग हो चुके हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पे फिर से मैं एक काम करता हूँ, फिर से एक आर्क ले लेता हूँ और यहाँ पे इस सेट करता हूँ और बाद में इसे सेंटर से लेके खींचता हूँ। तो ठीक है, तो ये एंगल मुझे लेना है। इसका 377 332 वैल्यू आ रही है, 377 322। ये विड्थ और हाइट 98 21 मैंने 50 डाली थी, यहाँ पे 24 ही डाल देता हूँ और देखते फिर से एग्जीक्यूट करके क्या मिल रहा है। तो ये ज़रा ऊपर आ चुका है और आपको अगर चाहिए तो और ऊपर लेना है तो आप ले सकते हो। उसके बाद मुझे दो आइज निकालनी उसके, तो उसके लिए मुझे मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्स और वाई थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। एक्स 377 ही रखते हैं, वाई थोड़ा सा 330 ऊपर ले लेते हैं और 24 की जगह पे 30 करते हैं। बाद मुझे यहाँ पे एक फील होल लेना है एक, तो उसका एक्स एंड वाई हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमें फील, तो उसके लिए हमें पहले कलर सेट करना होगा। तो जी डॉट सेट कलर मेथड कलर डॉट मुझे उसका कलर उस ग्रे लेना है या कुछ भी जो भी चाहिए, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, बस ठीक है यहाँ पे ब्लैक ही कर देता हूँ। आप कौन सा भी ले सकते हो, आप मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई मुझे चाहिए तो मैं कलर डॉट रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो भी कंपोनेंट हम ड्रॉ करेंगे उसका कलर हमें रेड ही मिलेगा। तो हमें जो भी कंपोनेंट ड्रॉ करना है, मतलब हमें दो आइज ड्रॉ करनी है, तो मैं रेड कलर में आइज ड्रॉ कर रहा हूँ। आप चाहे कौन सा भी कलर ले, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि सेट कलर मेथड एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो जी डॉट फिल ऑल वॉल फिल करना है और वॉल में हमें वही कोऑर्डिनेट्स जो कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे ले लिए। तो ये देखो हमें ये कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है 363 259 एंड हाइट वेड्थ हमें मिल रही है 30.32। एक हमारा वॉल हो गया और दूसरा एक चाहिए, तो दूसरा वाला हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसमें ये कोऑर्डिनेट है हमारा 450 258। जी डॉट फिल ओवल 450 258 450 258 30.32। हाइट वेड्थ उतनी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एक लेफ्ट आई और राइट आईज में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट जावासी से हमने कंपाइल किया और वो क्लास फाइल हमने यहाँ पे ले ली। तो ये हमारा फेस हुआ। अगर आपको यहाँ पे फिर से ये दो आइब्रोज निकालने यहाँ पे, तो आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको दो आर्क लेनी पड़ेगी यहाँ पे आपके प्रोग्राम में, वो बाकी कुछ दिया नहीं है। तो हमारी ये स्लिप नंबर अगर आप देखोगे तो ये 30 नंबर की जो भी स्लिप है तो आप वो एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इसके लिए आपको ये पूरे जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, सभी सिस्टम में पेंट इंस्टॉल्ड होता ही है, तो उस पेंट का इस्तेमाल करके आप ये पूरे कोऑर्डिनेट्स चेक करके वही कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। तो ऐसे ही आपके लिए अलग सा एक प्रोग्राम अगर आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, तो ये प्रोग्राम आप कर सकते हो घर पे। तो यहाँ पे राइट एन एप्लेट एप्लीकेशन इन जावा फॉर डिजाइनिंग टेम्पलेट। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो ड्रॉ रेक्ट मेथड में आपको हाइट विड्थ और एक्स वाइड देना है। उसके बाद ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन, ये फिर से एक रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल। तो आपको सिर्फ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं।
अगर आपको ये अच्छा लगा होगा या फिर आपको ये शॉर्टकट ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। थैंक यू दोस्तों।